hamburger and fries and pura. So how much did it cost you? 40 rupees. 40,000 rupees? Yeah. इंडिया छोड़ो कुछ नहीं रखा है इतनी पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ भाई चल के फली तोड़ दे ऑस्ट्रेलिया में बहुत है भाई अपनी करेंसी के हिसाब से बहुत ज़्यादा है बहुत ज़्यादा मतलब सर आर यू हैप्पी टू सी दिस मच फूड और डेट है आज की 13 जून और मैं अब जा रहा हूँ अपना हॉस्टल से चेकआउट करने मेरा हॉस्टल का नाम है ला बोहेम हॉस्टल और ये कुछ ऐसा दिखता है तो फाइनली मैं रेडी हो गया हूँ ब्रेकफास्ट करके निकलता हूँ एयरपोर्ट के तो यहाँ पर कुछ ऐसा ब्रेकफास्ट मिल रहा है और सामने बार या तो अभी बैठ गया हूँ बाइक टैक्सी पर और यहाँ होटल से जा रहा हूँ मैं अच्छा था 2 दिन का एक्सपीरियंस इधर अब निकलता हूँ एयरपोर्ट में जहाँ पर मेरी फ्लाइट है पानी के लिए ग्यारह बज के 10 मिनट हो गए हैं जो कि मेरा टाइम था आई थिंक फ्लाइट लेट होगी कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन भी नहीं लिखा है और यहाँ पर ये फ्लाइट वाले दे रहे हैं खाना मतलब कि और लेट होगा तो एक खुशखबरी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है पीछे और अभी बज रहे हैं 12:20 और अभी मैं जाऊंगा बोर्डिंग करूंगा तो होपफुली पहुंच जाएंगे 2 बजे तक No problem. तो फाइनली हम लोग अपने हॉस्टल पहुंच गए जिसका नाम है बाली कैब्स और इसको मैंने बुक किया था booking.com से एंड विद मी देयर इज अनदर सोलो ट्रैवलर इज फ्रॉम जर्मनी एंड व्हाट इज योर नेम मार्कस इज मार्कस और दुर्गेश भी इसी होटल में ठहरा हुआ है तो अभी हमने चेक इन कर दिया अपने हॉस्टल में और हॉस्टल का नाम था बाली कैब एंड नाउ वी आर गोइंग टू KFC एंड वी आर गोइंग टू ईट एंड विद मी वी आर मार्कोस या हिज मार्कोस एंड वी टुगेदर आर गोइंग टू ईट समथिंग इन KFC और मे बी मैकडोनल्ड्स लोकल फूड तो खा के पागल हो गया नहीं मैंने तो नासिक कुनिंग खाया और वो बहुत बढ़िया था मैं जब कोमोडो आइलैंड पर नहीं नहीं चिकन राइस को मिक्स करके कुछ बनाते हैं वो लोग नासिक कुनिंग 1 लाख खर्च हो गया मेरे खाने में जब तू गया है अच्छा मैं तो बहुत चीपली खाया मतलब इंडियन करेंसी 100 रुपये के हिसाब से एक टाइम का मील लेकिन खाया सो राइट नाउ वी आर हियर इन KFC पास में था 1 किलोमीटर दूरी था हमारे हॉस्टल से तो यहाँ पर हम लोग आ गए और यहाँ पर देखते क्या क्या मिल रहा है तो मैं सोच रहा हूँ क्या लूँ और मैं यहाँ पर रेट भी बता देता हूँ जैसे कि कन्वर्ट करने में हालत ख़राब हो जाएगी ओके मैं जो लूँगा मैं वो बताऊँगा वो कितने का पड़ा मुझे इस तरह के आउटलेट्स बहुत सारे प्रेजेंट हैं मार्कोस व्हाट आर यू गोना ऑर्डर I don't know. Okay. तो अभी पहले ये लोग ऑर्डर कर लें फिर मैं देखता हूँ क्या मिलता है मार्कोस व्हाट डिड यू टेक फ्रिंग बर्गर एंड फ्राइज एंड पोरा सो हाउ मच डिड इट कॉस्ट यू
40,000 rupees. And तुम क्या लिए हो? सेम चीज़. ये तो वही वाला हो गया. सेम आंसर. तो मुझे पाकिस्तानी बोला था ना. कितना पड़ा तुमको इंडियन करेंसी बताना तो? 200 में ये बर्गर. हाउ इज द टेस्ट? इट्स ओके. तुम्हें कैसा लगा दुर्गेश? नॉर्मली. रिकॉर्डिंग एवरीथिंग. सो हॉट. कुछ खास नहीं है. तो बस अब यहाँ खाने के बाद हम लोग जा रहे हैं डोमिनोज में पिज्ज़ा खाने या पिज्ज़ा हट जो भी यहाँ मिल रहा है. आता तो नहीं हूँ, उसको बंद करना पड़ेगा. ऊपर है KFC और नीचे है डोमिनोज. पचास हज़ार में दो मीडियम पिज्ज़ा. लाइक कितना? 250 रुपये में. ओके, वी आर गोइंग इनसाइड द डोमिनोज. सो वी आर गोइंग इनसाइड डोमिनोज. थैंक यू सो मच. हम लोग एक काम कर सकते हैं. वही दो मीडियम 50,000 में कर लेते हैं. हाँ देखो जुगाड़ू इंसान. तो अभी हमने लगभग 850 का एक मील मंगाया. तो हम तीनों लोग ने मिलके शेयर करके कर लिया है. और हम लोग जाएंगे खाएंगे. ऑर्डर ले लिया चुपचाप. और जगह हम लोग ने खोज ली है. यहाँ बैठे हम लोग जो मेरे साथ मार्कोस हैं वो ऑस्ट्रेलिया में लगभग 5 महीने तक गार्डनिंग की है. उनको हर डे लगभग 7,500 रुपये मिलते थे इंडियन करेंसी के हिसाब से. और 5 महीनों में इन्होंने कितना कमाया? 6 लाख इंडियन करेंसी कमाया. तो दुर्गेश का कुछ मन में आ रहा प्लान? छोड़ो इंडिया. इंडिया छोड़ो, कुछ नहीं रखा है. इतनी पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ भाई? चल के फली तोड़ते हैं ऑस्ट्रेलिया में. इस बार वाज जस्ट पिकिंग एप्पल्स. ओके, दिस वन इज तो इतना कुछ मिल गया हमको. कितने रुपए में? 850 रुपए इंडियन करेंसी के हिसाब से. बहुत है भाई. अपनी करेंसी के हिसाब से बहुत ज़्यादा है. बहुत ज़्यादा. मतलब आर यू हैप्पी टू सी दिस मच फूड? क्या बेहतरीन है. गो फॉर टेक फोटो. तो लास्ट में खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए. तो आ गए, एक मिनी मार्ट है यहाँ पास में. वाह भाई वाह, क्या बात. वाह, जैसे हिंदी सॉन्ग बज रहा है इस सुपर मार्ट में. बेसिकली इट्स अ मिनी मार्ट. व्हिच वन यू विल टेक? बिंटैंग यहाँ की ब्रांड है. ये 28,000 का. एंड मार्कोस के पास जो है वो है वो 40,000 का है उसका. तो हम लोग आ गए हैं कूटा बीच पे. कूटा रीजन है ये. जा रहे हैं बीच के अंदर. आज टाइड बहुत ज़्यादा है. बहुत ऊँची ऊँची लहर है यहाँ पर. और कूटा बीच पर आने से पहले आप लोग जरूर टॉयलेट करके आए, नहीं तो आपको देना पड़ेगा 3,000 रुपये. जी हाँ, 3,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे टॉयलेट करने के लिए. तो ये इधर है मॉल बीच वॉक नाम से. ये एकदम कूटा बीच के पास में ही है. तो ये काफ़ी बड़ा मॉल है बाली में.
कई सारी शॉप्स हैं, तो एक बार हम लोग यहाँ पर जाके एक बार इसको देखेंगे। क्या कि कूटा बीच में मेरी बैटरी GoPro की जो थी वो डाउन हो गई और मैं बाहर ही था और दोनों बैटरी बाई चांस चार्ज नहीं थी, तो काफ़ी दिक्कत हुई। फ़ोन भी चार्ज नहीं था, तो मैं किसी तरह अपने हॉस्टल तक आया। तो अभी बज रहे रात के 12 और मैं ऐसे ही घूमते घामते एक स्ट्रीट के साइड में एक दुकान आ गई है, तो स्ट्रीट फूड का खाने का मज़ा ही कुछ और होता है रात के वो भी 12 बजे। और ये है मेरा कुछ नासी। What is his name? Nasi? Nasi. Yeah, Nasi. Nasi pudding. Nasi pudding. Yeah. Oh. कुछ नासी पुटिंग करके बोल रहे हैं। नासी पुटे। नासी कुटे। नासी कुटे, ओके। तो हम लोग कूटा में इस समय और हम लोग खा रहे हैं नासी कुटे। एंड इसमें क्या देते हैं, चावल, नूडल, चिकन, ये छोटा सा पापड़ और कुछ इंडियन ग्रेवी। तो हो गया ख़त्म खाना, पेट पूजा हो गई, अब निकलते हैं यहाँ से। छूट तो नहीं रहा, हेलो दिस इज वेज। और फाइनली इसके साथ हम लोग अपना दिन खत्म करेंगे जो कि शुरू होते ही खत्म हो गया। आज बस मैं जो जर्मनी वाला बंदा था उसके साथ मैं थोड़ा घूमा और कुछ खाए पिए, मज़े किए, शाम को कूटा बीच आस पास फिर घूमे। बस ऐसे ही करते करते दिन ख़त्म हो गया आज का। कल का प्लान है शायद हम लोग उलुवाटू टेम्पल कवर करेंगे। इसी हिसाब से अपना ब्लॉग ख़त्म करता हूँ आज का। बाय बाय, गुड नाइट। ऐसे यू नीड टू स्पीक लाउड। या लाउड एंड मे बी द एसेंट इज डिफरेंट। या but sometimes it's working with me, sometimes you, and yeah.